धूरी माँ आपके लिए स्वागत करती हूँ मैं कुसुम। साथियों, स्वतंत्रता दिवस आज है। सारा देश देश प्रेम के रंग में रंगा हुआ है। जहां जहां तक भी नजरें जा रही हैं, चारों ओर तिरंगा लहरा रहा है और मानो वीर शहीदों की गाथा दोहरा रहा हो। सावन की झूमती हवाएं अपने देश पर इतरा रही हैं और हर दिल में गूंज रहा है देश प्रेम का गीत। अंबर है ठा तरते बसती एथे हर रुत हसती हो किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा किन्ना सोना देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए बोले पपीहा कोयल गाए सावन घिर के आए ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा। करे हवाएं रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाएं पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए लसुन लो कदम कदम पे है मिल जानी कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी ऐसा देश है मेरा हो ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा हाँ ऐसा देश है मेरा। के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले मेलों में नट के तमाशे कुल्फी के चाट के ठेले कहीं मिलती मीठी गोली कहीं चूरन
की है बुढ़िया, भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को है मेरा हो, जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है मेरा। अस्सी के दशक की बात है, उन दिनों दूरदर्शन का दौर था। राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए दो बेहद खूबसूरत एल्बम बनाए गए थे। दोनों ही वीडियो एक से बढ़कर एक थे, दोनों ही शास्त्रीय रागों पर आधारित थे और दोनों में संगीत और अभिनय की दुनिया से जुड़ी जानी मानी हस्तियां स्क्रीन पर नजर आती थीं। एक था मिले सुर मेरा तुम्हारा, जो कि राग भैरवी में कंपोज किया गया था, और दूसरा बजे सरगम हर तरफ से गूंजे बनकर देश राग। जी हाँ, ये राग देश पर ही आधारित था। कहते हैं कि इसकी लोकप्रियता ने मिले सुर मेरा तुम्हारा को भी चुनौती दे दी। इसमें कविता कृष्णमूर्ति की मखमली आवाज के बाद पंडित रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित रामनारायण, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद जाकिर हुसैन और उनके अब्बा उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद अमजद अली खान के साथ ही तमाम शास्त्रीय नृत्यों को भी जगह दी गई थी। ये राग देश और इसमें शामिल कलाकारों की काबिलियत ही थी जो ये राग और ये गीत घर घर में गूंजता रहा और हर दिल में जगाता रहा देश प्रेम की भावना।
जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि देश मेरा रंगीला है, सारी दुनिया में सबसे प्यारा है। यहाँ की माटी से प्रेम की महक उठती है, यहाँ की हवाएं जीवन राग सुनाती हैं, यहाँ की घटाएं रस बरसाती हैं, यहाँ के खेतों से संस्कृति गीत सुनाती है, यहाँ के संगीत में अनाहत नाद गूंजता है और यहाँ की डाल डाल पर सोने की चिड़ियां बसेरा करती हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहा है फिल्म सिकंदर आजम का ये गीत, जो कि राग देश पर ही आधारित है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं, कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कहीं दिवाली की
मेले, होली के कई मेले, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 23 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मैंने अक्सर आपसे ड्रग्स की चुनौती की चर्चा की है। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। सरकार ने एक टॉल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहैबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। मानस के साथ साझा की गई हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आप इसे सुन सकते हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है मधुरिमा और आज इस कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं राग देश पर आधारित देशभक्ति गाने।
रागदीस के शास्त्रीय पक्ष की बात करें तो ये खमाज थाट से निकला है। इसके आरोह में ग और ध नहीं लगाते, जबकि अवरोह में सभी स्वर लगाए जाते हैं। इसकी जाति औडो संपूर्ण है। रागदेश के अवरोह में शुद्धनी और आरोह में कोमल नी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका वादी स्वर रे और समवादी स्वर पा है। इसे गाने और बजाने का समय रात का दूसरा पहर माना जाता है। रागदेश के करीब राग तिलक कामोद है, लेकिन संगीत के जानकार जब दोनों रागों को उनके चलन के हिसाब से गाते हैं तो दोनों रागों में जो फर्क है वो साफ नजर आता है। यानी रागदेश एक बेहद प्यारा राग है। इसके पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस राग पर न केवल फिल्मी गाने बने, बल्कि मशहूर डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया वर्ष 2017 में रागदेश नाम की एक देशभक्ति फिल्म भी उन्होंने बना डाली। ये फिल्म 1945 में आजाद हिंद फौज और ब्रिटिश शासन के वक्त की कहानी कहती है। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने रविंद्र संगीत के कई गीतों में रागदेश का इस्तेमाल किया। और ये भी कहा जाता है कि हमारे देश भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी इसी राग पर आधारित है। इस गीत को 1952 में आई फिल्म आनंद मठ में शामिल किया गया। बंकिम चंद चटर्जी का लिखा यह राष्ट्रीय गीत स्वतंत्रता संग्राम में देश प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। तो यह है राग देश का सुरीला कमाल। और राग देश में कई फिल्मी गाने कंपोज किए गए जो देशभक्ति गीत नहीं हैं और बहुत सुने गए। 1936 में आई फिल्म देवदास का गीत दुख के दिन अब बीतत नहीं, इसे KL सहगल साहब ने अपनी मधुर आवाज दी थी। 1965 में आई फिल्म नीला आकाश का गीत आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, ये भी इसी राग में बना है। फिल्म आरजू का गीत अजी रूट कर अब कहाँ जाइएगा, ये भी राग देश में ही बना। और 1942 लव स्टोरी का गीत भी राग देश की जमीन पर तैयार किया गया, जिसके बोल है प्यार हुआ चुपके से। लेकिन फिलहाल हम राग देश पर आधारित फिल्म नया दौर का ये गीत सुनते हैं। देश हबीब जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती भीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमे बस्ती में। राहों में कतारें फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। इसी गीत के साथ ही मधुरी माँ यहीं तक, कुसुम को दीजिए इजाजत।